हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बरेली की ब्लॉगर सोनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज है बच्चों के छुट्टी का दिन, तो बच्चों ने सुबह से ही फरमाइश कर दी थी कि नाश्ते में आज हमें मैक्रोनी खानी है, तो यहाँ पे मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। मैक्रोनी मैंने उबलने के लिए रख दी है और उसके लिए टमाटर प्याज हरी मिर्ची मैं चॉप कर ली है, टमाटर चॉप कर लिए थे हरी मिर्ची, अब मैं प्याज चॉप कर रही हूँ। यहाँ पे प्याज को भी अच्छी तरह से चॉप करके रख दूंगी और यहाँ मैक्रोनी उबल रही है। लहसुन भी मैंने काट लिया है, थोड़ा सा छील चुकी थी, काटा नहीं था क्योंकि मैं इधर लग गई थी, अब मैं उसको भी काट लूंगी। लहसुन भी काट के रख दिया है मैंने और मैक्रोनी लगभग उबल ही चुकी थी। ये मेरे कुर्ते में पता नहीं क्या निकल लग रहा था, अब क्योंकि मुझे खाना ही बनाना है तो उसके लिए मैंने केले थे रखे हुए तो उसको रख दिया है मैंने उबलने के लिए। मैं केले की सूखी सब्जी बनाऊंगी। मैक्रोनी उबल चुकी है, मैंने उसे ठंडे पानी में डाल के अच्छे से धो लिया है। इधर मैंने एक साइड में कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई गर्म होने पे मैंने उसमें सरसों का तेल डाला क्योंकि हमारे यहाँ सरसों का तेल ही खाया जाता है। रिफाइंड हम बहुत कम यूज़ करते हैं या और भी कोई तेल हम नहीं यूज़ करते, या तो देसी घी खाया जाता है या फिर सरसों का तेल, क्योंकि सरसों का तेल हमारे घर का है इसीलिए हम सरसों का तेल ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं मतलब। और तेल गर्म होने के बाद में मैंने पहले लहसुन डाला, लहसुन डालने के बाद में मैंने टमाटर प्याज डाल के अच्छे से भून लिया है। भून थोड़ा सा वो पिंक हो जाने के बाद मैंने टमाटर डाल दिए। यहाँ मेरी बेटी पूछ रही थी कि आप दोपहर में घेवर बनाओगे कि नहीं बनाओगे, तो मैं उसे कह रही थी कि पहले काम से निपट लूँ उसके बाद में देखती हूँ, यदि मेरे एड़ी में दर्द नहीं हुआ तो मैं घेवर बनाऊँगी और हुआ तो नहीं बनाऊँगी। तो यही हम दोनों बातें कर रहे थे। और अब मैक्रोनी डाल दी है मैंने, अब नमक डाल दूंगी। मैं दाल के लिए भी लहसुन काट रही थी क्योंकि मुझे दाल भी छौंकनी थी। दोपहर का खाना वाना सब निपटाने के बाद में फिर मैंने हिम्मत करके मैंने कहा लाओ बच्चों का मन है तो बनाई देती हूँ। तो दो कटोरी चीनी, आधी कटोरी पानी डाल के मैंने चाशनी बनने रख दी है, उधर साइड में मैंने कढ़ाई में दूध रख दिया है रबड़ी बनने के लिए। चाशनी और रबड़ी बनेगी, इतनी देर में मैं घेवर का बैटर तैयार कर दूंगी। ये पता नहीं दूध में काला क्या गिर गया था, वो मैं निकाल रही हूँ और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है दूध में क्योंकि हमारे दूध में बिल्कुल पानी नहीं था इसमें, तो ज़रा सा मैंने पानी डाल दिया कि तली पे लगे ना दूध। चाशनी भी लगभग तैयार होने वाली थी क्योंकि हमें एक तार की चाशनी बनानी, ज़्यादा तार नहीं देख करने हैं इसमें, ना ज़्यादा खुलवानी है मुझे, ये तो बहुत गाढ़ी हो जाएगी। यहाँ थी बर्फ़ क्योंकि हमें बर्फ़ का भी इस्तेमाल करना था घेवर के बैटर के लिए, तो वो मैं तोड़ रही थी। घेवर एक भी बार नहीं बनाया, लेकिन बच्चों का तो मन हो रहा था, वो बाजार से तो लाके खा लिया लेकिन घर में नहीं बना था एक भी बार, तो कई बार कह चुके थे तो मैंने भी बोल दिया था मगर जब छुट्टी होगी तब बनाएंगे, तो वही आज उन लोगों ने सुबह से जिद कर दी कि आज घेवर चाहिए हमें। चाशनी मेरी अच्छे से खोलने लगी है, ये बर्फ मैंने तोड़ लिया था सारा, अब मैं बना लूँगी इसका बैटर जो हमें घेवर में यूज़ करना है। इसके लिए मैंने एक बड़ी सी परात ले ली है और उसमें लगभग 4 से 5 चम्मच के करीब घी ले लिया है, आप कोई सा भी घी यूज़ कर सकते हो, डालडा रिफाइंड, डालडा देसी, जो आपके पास हो आप वो यूज़ कर सकते हो। अब इसमें बर्फ़ डाल के मैं इसे अच्छे से मक्खन बनाने की स्थिति तक इसे ले आऊँगी और आपको इसे हथेली से अच्छे से घोटना है, पीसना है, रगड़ना है, कुछ भी बोल लीजिए आप, लेकिन अच्छे से हथेली से करना है कि इसमें दाना ना रहे, एकदम स्मूथ बैटर बनेगी हमारा। और आपको लगे कि ये थोड़ा गर्म हो रहा है तो आप इसमें बर्फ़ बराबर ऐड करते रहिएगा
ये गरम नहीं होना चाहिए और एकदम सफ़ेद मक्खन की तरह से ये हमारा निकल के आना चाहिए। आपने देखा ये घी था, घी से कैसे मैंने इसे रगड़ रगड़ के मक्खन कर दिया है। ये हमारा बैटर अब लगभग तैयार हो चुका है, घी से मक्खन बनने का प्रोसेस तैयार हो चुका है मेरा। अब इसे थोड़ा सा भी और करना है, हल्का सा साइडों में है ये अभी, और एकदम अलग हो जाएगा ये। इस तक हमें घिसना है, घिसना फेंटना जो भी आप बोलते हो, लेकिन मैं तो घिसना फेंटना दोनों ही बोल देती हूँ। अच्छे से आप कर लीजिए इसे। अब हम इसमें 2 कटोरी मैदा और आधा कटोरी बेसन डालेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो कि आप कैसा, कितने फैमिली के लिए बना रहे हो आप उस हिसाब से डाल लीजिएगा। लेकिन 4 से 5 चम्मच घी में आपको इतनी ही क्वांटिटी डालनी है। ये आप जितना ज़्यादा फेटोगे आपका घेवर उतना ही परफेक्ट बनेगा, अच्छी जाली आएगी उसमें, क्योंकि मैंने फेट के रख दिया था। फिर मुझे डाउट हुआ कि अभी मेरा कम फिटा है, तो फिर मैंने दोबारा से फेटना स्टार्ट कर दिया। आप ये फेटने वाला काम मिक्सी में भी कर सकते हो, लेकिन इस टाइम मेरी मिक्सी ख़राब थी और मुझे हाथ से फेटा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है ये। अब मैं यहाँ इसमें मैदा डाल रही हूँ, मैदा मैंने थोड़ी सी मिलाई है अभी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसी तरह से सारी मैदा मिक्स करेंगे हम। आपको अभी भी लग रहा है कि थोड़ा गर्म हो रहा है, तो आप इसमें अभी भी इस टाइम बर्फ ऐड कर सकते हो या ठंडा पानी। और हाँ, ठंडा पानी ही यूज़ करना है हमें, गर्म नॉर्मल वाटर नहीं लेना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें हमारे बिल्कुल भी लम्स ना पड़े, गुठली ना आए एक भी। यदि गुठली आ गई तो हमारा सारा बैटर बेकार हो जाएगा, घेवर परफेक्ट नहीं बनेगा, अच्छी जाली नहीं आएगी। यदि गुठली आपको दिख रही है कोई भी, तो उसे अच्छे से स्मूथ कर लीजिए। अब इसमें मैं आधी कटोरी के थोड़ा सा कम बेसन मिला दूंगी और इसे भी अच्छे से फेंट लूंगी इसी के साथ, कि गुठली हमारी बिल्कुल ना रहे इसमें। हथेली से रगड़ रगड़ के आप अच्छा सा स्मूथ बैटर बना लीजिए इसका। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों के साथ भी मेरी वीडियो शेयर करिएगा। यदि कहीं कोई गलती हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, जिससे मैं उसे सही कर लूँ अपनी गलतियों को, और आगे वो वीडियो में गलतियाँ ना करूँ। तो मैंने जो बची हुई मैदा थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करके मैं एक पतला सा बैटर बना लूँगी, ये देखिए। और हमें पानी इसमें एकदम चिल्ड ही डालना है, जितना चिल्ड पानी डालेंगे आप उतना ही अच्छा रहेगा। अब थोड़ा सा आधा नींबू मैंने इसमें ऐड कर दिया है। नींबू डालने के बाद में भी मैं इसे अच्छे से चला लूंगी और इसे अब मिक्स करने के बाद में, और हाँ, मैं इसमें दूध डालना भूल गई थी, तो मैंने इसमें 2 चमचे करीब दूध ऐड कर दिया है और इसे छान लिया था कि बाय चांस कोई गुठली उठली हो तो वो हमारी निकल जाए, वो हमारे बैटर में ना रहे। अब क्योंकि मेरे पास सांचा तो है नहीं, तो इसलिए मैंने चाय के फ्राई पैन में, जिसमें हम चाय बनाते हैं नॉर्मली, उसमें ही घी डाल के गरम कर लिया था अच्छे से। और हमें एकदम गरम घी चाहिए, और इस बैटर को थोड़ा थोड़ा डालूंगी। जब तक झाग है तब तक आप बैटर नहीं डालेंगे। उसके बाद देखिए कितना परफेक्ट घेवर तैयार हुआ है। रबड़ी भी मेरी बन के तैयार हो गई थी, वह वीडियोस की शेयर नहीं कर पाई। ये घेवर तैयार हो गए हैं जो बच्चों को बहुत ही टेस्टी लगे थे। ये देखिए आप,
आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको घेवर कैसे लगे। यदि पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा यदि वीडियो अच्छी लगी है। तो मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।